हम सबसे पहले तो मैं इस शहादत के पेश करता है। उसके बाद बहरा रहने की मर्जी है शायद ऐसे ही लोग थे
मजलिस में नहीं आए। जब मजलिस में ये लोग नहीं आए तो यकीनी बात है अहमद करबला एक अजीम आरिफ है। जिस तरह आप आ रहे बहजत का नाम सुनते हैं उस जमाने में उसके इस तरह के इनवान आते हैं। आरिफ इलाही शख्स है, रसीदा शख्स है, तो मायूस हो जाता है कि या खुदाया मजलिस मैंने बपा कर दी, सफेद कपड़ा भी बिछा दिया, फर्ज करके इस तरह का मिंबर वगैरह भी लगा दिया, लेकिन सुनने वाला कोई है नहीं, अब क्या किया जाए। और अगर मैं झूठ बोलूं तो खुदा मुझे माफ न फरमाए। आदिशान में सैयद अहमद करबला फरमाते हैं कि बस परेशानी यही थी कि अब क्या किया जाए कि इमाम का फर्श अदा और मुकरीन नहीं आए हैं। तो फरमाते हैं कि भाई यक वक्त 14 सफेद मलबूस में लिबास पहने हुए नूरानी शख्सियात जाहिर होती हैं और कहते हैं ऐ अहमद करबलाई तू क्यों घबराता है, तुझे क्या परेशानी है, कोई आए या ना आए, नहीं जिक्र हमारा है, हम आए हैं। और अजीब इत्तेफाक यह है कि ऐ अहमद करबलाई घबराने की जरूरत नहीं, आज पढ़ने वाला तू होगा, सुनने वाले हम 14 होंगे। लिहाजा ये जहन से निकाल दें कि अगर कोई मारूफ मजलिस हो या नाम पर और अमीर बंदा करवाए तो आप आए, या कोई दावत दे तो आए। न अजीजाने मन कोई तुझे दावत न भी दे, तेरा फरीजा है कि फरजंदाने सहरा की तू कदर जानी कर। किस हाल में फरजंदाने सहरा ने कुर्बानियां दे के आज तुझे बचाया है, कदरदानी कर उन कुर्बानियों की। अगर उनकी कुर्बानियां न होती तो तू क्या होता, बल्कि कदरदानी कर उस इमाम ज़माना की। मैं सलाम करता हूं आज के बामियान पे, उनकी कदरदानी पे, लेकिन मैं वाज़ह कहता हूं कि आप मजलिस अला के बानी बने, लेकिन बाहर से मजलिस इमाम ज़माना चला जाता है। इतना भी आपके जमीन में कोई बेदारी नहीं आती कि इमाम ज़माना जिसका वारिस हो उसका प्रोग्राम हो और मुझे आराम हो। रोज साथ के आए मोहम्मद की शाद, मैं तमाम लोगों से सवाल करता हूं कि इस शहादत पे कौन सा इमाम है जिसने गिरिया नहीं किया। अगर हुसैन पे सारे हुए हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कौन सा इमाम है जो सादिक आले मोहम्मद भी शहादत पे गिरिया पुना नहीं है। अजीजाने मन और याद रख जहां पे बैठा है बैठा, लेकिन कुरान तुझे कह रहा है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अलमवद्दत। ये नबी की ख्वाहिश है, तुझसे मेरी ख्वाहिश नहीं है कि हम आपसे कोई सवाल नहीं करते। यकीनन आपके ज़हन में आता है कि नबी हमसे सवाल करे, क्या अयाज बिलाल मुमताज है जिसके सदके में कायनात पैदा हुई। और अज़ीज़ान मन ऐ मेरे गैरतमंद दोस्त, ऐ मजलिस को मजलिस समझने वालों, ऐ मवद्दत फिल कुर्बा की कदरदानी करने वालों, याद रखो वो हमारा मोहताज नहीं है, लेकिन हकीकत हाल यह है कि ये मुतालबा करके तुझे मजलिस में बुला के तुझसे मांग नहीं रहा, वो तुझे रहमत दे रहा है। क्या तेरा मोहताज, खुदा की कसम वो बुला के तुझ पे एहसान करके तुझे दे रहा है। और याद रख अगर उसके नाम का कलमा तो पढ़े तो तेरी हैसियत क्या रह जाएगी। और कुरान भी फरमा रहा है अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, आसान सा नुस्खा दे देता हूं, कोई चीज मुझे नहीं चाहिए लेकिन मेरे कुर्बा के साथ मवद्दत का फकर सवाल। और अजीजा ने मन इन मजालिस में हुजूर ये दलील है मवद्दत फिल कुर्बा की, ये आपका करबला जाना यकीनन यहां पे सवार होंगे, और जो नहीं गए
में आज मैं दुआ करता हूँ, अरे खुदा बंदा साथ के आल मोहम्मद के सद के उनको तमाम सवारियां नसीब कर।